डेसीबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है, न्यूटन मीटर सेकेंड। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेस की शक्ति की क्या इकाई है? डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, जूल इकाई है ऊर्जा की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। दाब का मात्रक है पास्कल। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष की लाइट ईयर की दूरी प्रकाश वर्ष इकाई में दूरी का। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। एंगस्ट्रॉम क्या है? तरंग दैर्ध्य। किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी सुस्त। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता, तो ऐसे पदार्थ में पाई जाती स्थितिज ऊर्जा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ही वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उत्प्लवन का नियम दिया था। द्रव में आंशिक या पूर्णतया डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने के कारण है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि? सदिश राशियां। अदिश राशि है ऊर्जा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होती भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। पारसेक इकाई है दूरी की। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। क्या है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 सेंटीग्रेड। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान, जी मतलब ग्रेविटी का मान होगा 2% बढ़ जाएगा। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती इस घटना का कारण है पृष्ठ तनाव। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती इस घटना का कारण है पृष्ठ तनाव। ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ जाता है, ग्रेविटी बढ़ जाती है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी बल की तुलना में अत्यल्प मतलब कम है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है?
जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एक व्यक्ति पूर्णता चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ले जा सकता। तीसरा, गति का नियम। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी हुई हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाकर रेखा आधार से होकर जाती है। एक ऊंची इमारत में एक गेंद 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर सेकेंड। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वाकर्षण जी इक्वल 10 मीटर सेकेंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके द्वारा किसके समतुल्य किलोग्राम मीटर सेकेंड से? भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। एक केशन नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है, इसका कारण तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। ऊर्जा संरक्षण के आशय है कि ऊर्जा का ना तो सर्जन हो सकता है ना ही विनाश। पास्कल इकाई है तापमान की। 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड दाब समतुल्य है 0.1 bar के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों की है? 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? ग्रीस। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने के कारण है? असंजनक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण की गतिज ऊर्जा में बदलना। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने वाला उसकी समयावधि बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2 meter। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने वाले उसकी समयावधि बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p तो उसकी गतिज ऊर्जा p²/2 meter। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है? कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती, यह है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का कारण है? तृतीय नियम। न्यूटन का यह तीसरा नियम है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर का में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे
वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति को स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। पार्श्विक इकाई है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक, 1/6। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु के स्थिति और दिशा में दाब तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना सक्रिय हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्यमान का ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत। द्रव्यमान के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह है अंदर की ओर झुकता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? अपकेंद्रीय बल से। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जबकि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उतना ही रहेगा। पानी से भारी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? पलवन के नियम से। पलवन के नियम के संस्थापक कौन है? आर्किमिडीज। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद गोलाकार होती सतह तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं इसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद तैरती है उसके हाथ में। जेट इंजन किस सिद्धांत का कार्य करता है? रेखीय संवेग के। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है उसका गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। संवात्मक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होने लगता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ में पानी तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती तथा अल्कोहल से भारी होती है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसके द्वारा समझाया जा सकता है न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की
आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा।